जी हाँ जज साहब, और जहां तक इरादे की बात है तो यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस रात फंदी का इरादा अपने बाप की जान लेना ही था। जज साहब, यह है फंदी का बयान जो उसने इस केस की पहली हियरिंग में दिया था। इस बयान से साफ पता चलता है कि फंदी को शराब पीने की गहरी लत थी और इसी लत के चलते उसने अपनी बीवी से झगड़े किए हैं, उसके गहने बेच दिए थे, यहां तक कि घर के बर्तन भी बेच दिए। पर जब इस सब के बाद भी उससे अपनी बाप की दवाइयों का खर्च नहीं उठा तो उसने अपने ही हाथों से अपने ही बाप की जान ले ली। जज साहब, शायद मेरे काबिल दोस्त ये बात नहीं जानते कि फंदी पिछले 15 सालों से दारू पीता था, लेकिन इन 15 सालों में ना तो उसने कभी बर्तन बेचे और ना ही कभी गहने। इसलिए जज साहब, मैं इस अदालत से गुजारिश करता हूं कि इस मुकदमे को एक नए सिरे से देखा जाए और मुझे इस अदालत में अपने गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये वो रसीद है जो डॉक्टर देवेंद्र नाथ ने मेरे क्लाइंट फंदी को उसकी रिपोर्ट के साथ दी थी, और इसी के साथ मैं अपने पहले गवाह डॉक्टर गुप्ता को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो डॉक्टर गुप्ता, क्या आप इस अदालत को बताना चाहेंगे कि आप फंदी को कैसे जानते हैं? जी, मैंने उनके पिताजी का इलाज किया था। कितने दिन? करीब 2 महीने। 2 महीने। और उसके बाद कहाँ गए वो? जी, मैंने उन्हें मुंबई के डॉक्टर देवेंद्रनाथ के पास सलाह जाने की सलाह दी। डॉक्टर देवेंद्रनाथ। अच्छा गुप्ता जी, तब तो आप ये भी अच्छे से जानते होंगे कि डॉक्टर देवेंद्रनाथ फीस कितनी लेते हैं। डॉक्टर देवेंद्रनाथ करीब 30,000 रुपए लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, डॉक्टर देवेंद्रनाथ 30,000 रुपए फीस लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता, अच्छा एक बात बताइए, मुंबई से आने के बाद क्या फंदी तुमसे कभी मिला? जी, मिला तो था। अच्छा, उस समय उसके पिताजी की तबीयत कैसी थी? जी, उनके पिताजी की तबीयत तो बहुत ही खराब थी। अच्छा, फिर भी कितने दिन में मर सकते थे वो? जी, कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनकी मौत कभी भी हो सकती थी। देखा योर ऑनर, डॉक्टर गुप्ता के बयान से साफ पता चलता है कि फंदी के बाप की मौत 1 या 2 महीने में नहीं बल्कि कभी भी हो सकती थी। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो आप बताएंगे कि उनके कभी अंदरूनी जख्मों पर कुछ दर्द था या? जी, दर्द तो था। दर्द तो इतना था कि अक्सर मुझसे जहर मांग लिया करते थे। और आप दे दिया करते थे? जी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा डॉक्टर गुप्ता, चलिए आपसे लास्ट सवाल पूछते हैं। रजामंदी हो तो मुझे मृत्यु दंड में हर्ज नहीं होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जा सकते। देखा योर ऑनर, डॉक्टर गुप्ता के बयान से साफ पता चलता है कि मेरे क्लाइंट फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या नहीं था, अरे बल्कि वो तो उन्हें बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उनकी दवाई के लिए उसने कर्जा लिया, उसी कर्जे के चलते उसके घर के गहने बिक गए, बर्तन बिक गए, और भी ना जाने क्या क्या बेचना पड़ा उस बेचारे को। और जहां तक बात आती है हत्या के इरादे की, तो जज साहब, मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे क्लाइंट फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या बिल्कुल नहीं था। दैट्स ऑल योर ऑनर। That's all.
मुकदमे के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं। हमारे चश्मदीद गवाह हजरत ने हमें बताया कि उसने फंदी को अपने बाप की हत्या करते हुए देखा है, और उसने हमें यह भी बताया कि उसका बाप इसके विरुद्ध में कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा था। जज साहब, हजरत के बयान से तो ऐसा लगता है कि उसका बाप अपनी मौत देख के बहुत खुश था, और यहां बैठे मेरे काबिल दोस्त का कहना है कि मेरे क्लाइंट फंदी ने हत्या की, अपने बाप की हत्या। अरे हत्या तो तब होती है जब किसी इंसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध मार दिया जाए, और फंदी का बाप तो मौत के लिए ऐसे तड़प रहा था कि वो अपने बेटे, अपनी बहू, यहां तक कि डॉक्टर गुप्ता, इन सबसे जहर की भीख मांगता था। तो क्या जज साहब ऐसी मौत को हत्या करार देना चाहिए? कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। 5 साल पहले उसने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। मेरा वो बाप जिन्हें मैं बचपन से अपना हीरो मानता था, वो मेरे पास आके माथा पटक पटक के मुझसे मौत की भीख मांगते, और मैं कुछ कर ना पाया क्योंकि मेरे हाथ तो इस कानून से बंधे हुए थे। एक रात वो मेरे पास आए, मेरी गोद में लेट के मुझसे कहने लगे, बेटा बेटा मुझे मौत दे दे, बेटा मुझे मौत दे दे, मुझे बचा ले बेटा, बेटा मुझे मौत दे दे। और मैं कुछ कर ना पाया, और उसी रात 4 इंजेक्शन देने के बाद भी उन्हें नींद ना आई तो मैंने उन्हें मुजरिम फंदी को ताजे इन दवा 302 के तहत
मुजरिम साबित किया जाना चाहिए और उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए. दैट्स ऑल योर ऑनर. Thank you.